आपके मतलब जो आपके पास ये स्मार्ट की है उसकी अगर बैटरी डाउन हो गई है आपके स्मार्ट रिमोट की, तो आप देखेंगे इसमें ना एक स्पेशल फीचर दे रखा है, इसके ना मैनुअल की भी है। जैसे इसको दबा के अगर आप यहाँ से बाहर निकालोगे ना, देखो इसके अंदर ना एक मैनुअल की भी दे रखी है कार के अंदर आपको। और आप जो इसको मैनुअल की को इसका जो की होल है ना इसके अंदर डाल के भी अपनी कार को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें मैनुअल वाली की में इसको अनलॉक किया, तो अगर देखिए की अगर कार के पास नहीं रहेगी ना तो ये कार दोबारा से बीप बीप करना चालू कर देगी, ये सेंस करते हुए कि मतलब कार को चोरी करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए की मैं थोड़ी दूर रख रखी है अपनी जेब में, अभी इसको मैं अगर अनलॉक करूँगा ऐसे करके, अनलॉक मैंने कर दी है अभी कार को, कीज़ मेरे जेब में ही है। जैसे मैं इसको फिर से खोलने की कोशिश करूँगा तो कार में फिर से जो है बीप बीप की साउंड बजनी चालू हो जाएगी। ठीक है, कार ने मतलब ये सेंस कर ली कि कोई कार को फिर से चोरी करने की कोशिश कर रहा है, तो कार ने ऑटोमेटिकली बीप बीप सायरन बजाने की कोशिश कर दी, इसमें कर दी है। ठीक है, तो गाइज यही तरीका था कि आप मतलब अगर आपके जो स्मार्ट रिमोट की बैटरी अगर डाउन हो गई है तो उसके बावजूद भी अपनी कार को आप किस तरीके से स्टार्ट कर मतलब ओपन कर सकते हैं आप। तो गाइज यही था इस वीडियो में, इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए बनी रहेगा मेरे चैनल तुशीर जैन के साथ। जय जिनेंद्र।